हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी जीडी से। 23 फरवरी को हुआ था, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये आपके फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम है और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक सर्कल घुमाया गया है, मतलब एक फिगर आपको दे रखी है, उसको घुमाया गया है किस साइड में, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, ओके। ये ऊपर हो जाएगी, अगले में ये सीधी हो जाएगी ऐसे, और अगले में जो जाएगा वो कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से आपकी ये फिगर बनने वाली है। ठीक है, तो देखो, तो ये इसकी डायरेक्शन गलत है। सेकंड में सेकंड आपकी डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन इसका ट्रायंगल जो देखते हैं नीचे वाला, ये गलत है। अगले में देखो, अगले में क्या आपका फिगर तो ठीक है, लेकिन ट्रायंगल में गलती कर दी फिर इन्होंने, और फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज को कुछ कुछ इस तरह से फोल्ड किया गया, तो इसको ओपन करोगे तो कैसे निकलेगा। तो जैसे कि आप देखोगे तो यहां से ओपन किया गया, ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इतना पेज कवर किया हुआ इन्होंने, तो जैसे ओपन करेगा तो ये जो ओनली ये आपको क्या बना देगा, यहाँ पर चार आपके डिजाइन आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज का क्वेश्चन है 13, 17, 21, 25, सभी में क्या है, 4 का गैप है, +4। इसमें +4 करोगे तो 29 आएगा, लेकिन अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। माइनस कर दो 3, 3 पे कौन लेटर आता है, सी आता है, तो पहले ऑप्शन में सी आएगा। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं, ये आपका 17 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आप 4 4 को जोड़ सकते हो, सभी में 4 को जोड़ा है तो इधर भी 4 को जोड़ोगे 7 आएगा। तो नेक्स्ट लेटर जो आएगा 7 पे कौन सा है, जी, तो ये एम कट जाएगा, एम कट जाएगा, जी आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 24 है, ओके, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, तो वही ये क्या दे दिया गया, तो 15 से 10 गया तो -5, तो मैं सेकंड वाले को लिंक कर रहा हूँ, तो -5 का डिफरेंस करना है, तो यहाँ से 17 से 12 -5 का, ठीक है, 19 से 22 +3 का नहीं बनेगा, 17 20 +3 नहीं बनेगा, 21 22 +1 नहीं बनेगा, तो ओनली एक ही ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वेशन करेक्ट बताने हैं साइन को इंटरचेंज करके, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, प्लस और माइनस को चेंज करो, तो प्लस की जगह आपका माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से गया 3 पे, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 प्लस 3, तो 12 से 12 कटा, कितना आंसर आया, 3, बिल्कुल करेक्ट है आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ को बोला गया ये, पास्ता को बोला गया ये, नस्ल को बोला गया ये, तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे एन दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने इन सभी को डिलीट करना है, बाकी लेटर को, ASAL, तो ए को डिलीट करो, तो क्योंकि यहाँ पर 2 बार ए है, तो कोई 2 नंबर होंगे, तो 6 6, तो यहाँ से डिलीट हो गई। ठीक है, अब हमें एस और एल चाहिए। एस आपको यहाँ पर है, 8 3 5 में से मैच करो, 5 आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 5 आपका यहाँ मैच हो जाए, तो इसको कट करिए, अब एस कट हो गया, एल एल कहां पर आपका, एल तो नहीं है भाई, तो एल नहीं है, तो इसका मतलब मेरे 2 आंसर आएंगे, या तो 8 आएगा या 3 आएगा, तो देखिए 3 ऑप्शन में नहीं है, तो 3 को कट करिए, तो 8 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि कुछ इस तरह से सीरीज बनाई गई है, तो क्या है ये कि ए बी बी, मतलब ए एक बार है, बी 2 बार है, ठीक, तो यहाँ पर ए डबल बी आ जाएगा, नहीं भाई यार, आगे सीरीज चेक करते हैं कंप्लीट, ए बी बी ए बी बी, तो भाई चेक करते हैं, तो हर एक को अगर इसमें इंक्लूड करोगे आप, तो यहाँ पर
बी पुट कर लेते हैं तो मुझे दिखाई दिया यहाँ पर 2 बी हो गए या 3 बी हो गए। आगे ए पुट करोगे तो यहाँ पर 4 बी होने चाहिए, तो यहाँ पर एक और बी, बिल्कुल ठीक है राइट। एक ए आएगा 5 बार बी आ जाएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, तो बी ए बी बी आपका राइट आंसर दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ अपना मैच हो जाएगा। यहाँ पर 16 है या 17, तो कितना का गैप है, +1 का, ठीक है। तो 3 है, 3 में +1 करो कितना आएगा, 4, 4 पे कौन सा लेटर आता है, डी, तो एक्स, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, ये आपका राइट आंसर, बाकी के दो खुद अपने आप ट्राई करके देखो। 8 बॉयज है जो कि साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो बैठा भाई उल्टी दिशा में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए एंड एच आर एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ए और एच जो बैठा हूँ बाहर की तरफ बैठे हुए, मतलब ए बैठ सकता है इधर, एच बैठ सकता है इधर, ए उधर बैठेगा तो एच इधर बैठेगा, एच उधर बैठेगा तो ए इधर बैठेगा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट और राइट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, इधर इनका राइट हो जाएगा। चलो देखते हैं, ई एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई एंड एफ के बीच में कौन है, बी है, तो पता नहीं एफ किधर है, तो इधर भी पुट कर सकता है, इधर भी ई को पुट कर सकता है, तो बी इधर आ जाएगा। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है बी के फोर्थ लेफ्ट में है, तो ये तो अपनी सीटिंग राइट लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है, लेकिन बैठाएंगे जब उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो सी जो है बी के फोर्थ लेफ्ट में है, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पर सी आ जाएगा, नीचे वाले के अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग भी एज इट इज जाएगा, ठीक है, तो यहीं पर आ जाएगा नीचे वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ जो है ए के राइट में बैठा है, अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पर मैं ए को बैठा दू, यहाँ पर मैं ए को बैठा दू, ए का राइट इधर होगा, ठीक है, तो यहाँ तो ए बैठेगा नहीं क्योंकि इसका राइट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर हम बैठाएंगे एच को और यहाँ पर बैठाएंगे ए को, लो पोजिशन मिल गई हमें ए और एच की, तो एच अब बैठावे को, एफ जो है इसके लेफ्ट में है, ए के लेफ्ट में, गलत बैठा दिया, तो ए इधर आ जाएगा, सॉरी एच इधर आएगा, ठीक है। ए के लेफ्ट में कौन है, एफ है, बैठाओ एफ है, और फिर बी इसके पास है, और बी के पास कौन है, आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है राइट। और बी का लेफ्ट इधर करेंगे तो कितने नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, दो, यहां से 1 2 3 4 यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक, लो सीटिंग मिल गया हमें। डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी सी के पास नहीं बैठा, दो प्लेस बची हुई है, तो यहाँ पर डी बैठा दो। सी के राइट में कौन है, सी के राइट में यहाँ पर जो प्लेस खाली है वहां पर कौन है, तो जो मैं यूज नहीं किया वो आपका आंसर आ जाएगा, डी भी आ चुका अपना, एच भी आ चुका है, ई भी आ चुका, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कागज फोल्ड किया गया और ओपन किया गया इसको फिगर को, तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन देंगे, तो मिरर इमेज वॉटर इमेज सारी चीज बना दो इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपका मैच हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम फिगर दे रखी है, यहाँ पर इनको सेम बनाया गया है, ठीक है, सेम बनाया गया है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि इंटरचेंज करना है दो नंबर को जो यहाँ पर दिया गया, और इक्वेशन करेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, फिर सेकंड को चेक कर रहा हूँ, सिर्फ दो ऑप्शन को, बाकी सारे खुद ट्राई करोगे, 2 और 3, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 की जगह 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा इतना, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 5 -6 -1 और -1 + 7 करोगे 6, ये करेक्ट बनाएगा, लेकिन हमें चाहिए नॉट करेक्ट, तो ठीक है, तो 3 यहाँ पुट करो, यहाँ पर 2 फुट करो, तो 6 3 से आपके 2 चला गया, 2 ओके, ये आपका 14, 8 + 14 - 2, तो 8 + 12 कितना होता है, 20 होता है, तो 20 आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन अपना सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेन को ये बोला गया है, स्केयर को ये बोला गया है, साउट को ये बोला गया, तो हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, आई आपका यहाँ पर है, तो हमें क्या चाहिए, SAT और N को हटाना है, एस
ATN, मतलब इन्हीं में से कोई एक नंबर आपका आंसर देगा। तो 3, 5, 2, 4, 7 में से आप देखिए, एस है, ए है, तो भाई यहाँ पर जो मैच हो रहे हैं, एस और ए मैच हो रहा है, इधर से नंबर मैच करिए, 2 और 3 मैच हो रहा है यहाँ से, ठीक है, 2 मैच हो गया, 3 मैच हो गया, तो इनको कट करो, क्योंकि आई किसी में नहीं है, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो किसी में नहीं होगा। अब 5, 4, 7 आपका टी एन, टी यहाँ पर है, एन अपने पास नहीं है, तो एक नंबर मैच होगा यहाँ से, 0, 3, 4, 1, 0, 3, 4, 1, 4 मैच हो रहा है, तो 4 कट करो। अब आपके पास 2 आंसर है, 5 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, आई का कॉल, तो 7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि अपोजिट टू द नंबर 9, 9 का अपोजिट पूछा है, तो इस तरह से बॉक्स में क्या दिया जाता है, जब लाइन दी जाती है तो एक दूसरे को छोड़ के जो तीसरा नंबर होता है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर 7 का अपोजिट जो होगा 9 होगा, 5 का अपोजिट कौन होगा, 8 होगा, ठीक है, और बाकी बचे 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप देखोगे कि 9 का अपोजिट पूछा, तो 9 का अपोजिट हो जाएगा 7। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलेगी, एफ आर टी, कुछ एफ क्या है, टी है, ऑल एफ आर टी, ऑल एफ आर के, सभी एफ क्या है, के है, ठीक है, 2 ही है, फिर कंक्लूजन क्या बोला, सम के आर टी, देखो यहाँ से के की लाइन जा रही है, यहाँ से टी की लाइन जा रही है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑल टी आर एफ, क्या सभी टी एफ है, नहीं, जब स्टेटमेंट ने सम का रिलेशन बोला तो गलत हो गया, ऑल के आर एफ, क्या सभी के एफ है, लेकिन आप देखोगे तो एफ के मतलब उल्टा दे रखा, तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पी जो है सिस्टर है क्यू की, पी सिस्टर है किसकी, क्यू की, क्यू इज द मदर ऑफ एस, क्यू माँ है एस की, एस इज ब्रदर ऑफ आर, एस ब्रदर है किसका, आर का, आर जो है फादर है किसका, टी का, टी इज द हस्बैंड ऑफ यू, ये रिलेशन बना दिया हमने, हाउ इज आर रिलेट टू यू, आर यू से किस तरह रिलेट करेगा, तो आर का रिलेशन यू से पूछा कि आर यू का क्या लगेगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये ससुर जी लगेंगे, ससुर जी मतलब हस्बैंड के फादर आपके राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये आपके सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये बॉक्स आपके पास दे रखे, देखते हैं सर्कल किस तरह से टर्न कर रहे हैं, ये सर्कल ऊपर की तरफ गया और फिर एक छोड़ के एक मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक है, तो अब की बार जो सर्कल आएगा यहाँ पर आ जाएगा, ओके, अब ये दूसरे वाला सर्कल देखो ब्लैक वाला, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, पहले एक छोड़ दिया, फिर दूसरे में आ गया, ठीक है, फिर आपका गया कहाँ, 1, 2, 3 में, तीसरे में गया, अब की बार 4 छोड़ देगा, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपकी फिगर आ जाएगी ब्लैक वाला, तो कुछ इस तरह से मतलब इस कटाओ कुछ इस तरह से आपका आंसर दिखाई देगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन में आपका, सेकंड ऑप्शन में व्हाइट सर्कल जो होगा यहाँ पर आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में व्हाइट सर्कल ठीक है, लेकिन ब्लैक सर्कल आपका गलत जगह दे दिया, और फोर्थ ऑप्शन में दोनों राइट जगह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा 5 पर्सन है जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके हुए, बैठाओ सेंटर की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में कौन है, बी है, तो 1, 2 यहाँ पर बी आ गया, ठीक, ए इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ बी, ए जो है सेकंड राइट ऑफ बी है, तो बी का राइट ऊपर की तरफ, 1, 2 यहाँ पर ए आ गया, सी जो है ए के पास नहीं बैठा है, तो ए के पास ये जगह खाली, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, तो इमीडिएट राइट ऑफ सी बोला है, डी बोला, सॉरी डी के राइट में कौन है, तो डी का राइट इधर है और ये एक साथ में है, तो सी आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, तो गैप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर ये क्या, ये आपका 9 का गैप है भाई इधर, और ये आपका कितने का, 5 का,
और यहाँ पर 9 का, तो 5 और 9 का गैप चल रहा है, तो अगला 5 का गैप जाएगा, तो 46 प्लस 5 करोगे तो 51 आपका राइट आंसर दे देगा। अगला देखते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखना, और फिफ्थ पोजिशन पे कौन सा आएगा वो हमें चेक करना है। तो आर ई बी पहले 3 लेटर सभी में सेम है तो इससे पता नहीं चलेगा, तो आप देखिए आई ए आई ई ई, तो आई ए ई में पहले कौन आएगा, ए पहले आएगा तो फर्स्ट पोजिशन इसकी हो जाएगी, फिर ई आता है तो ई के यहाँ पर 2 है एल और सी के साथ, तो एल और सी में पहले कौन आएगा, सी आएगा तो सेकंड पोजिशन इसकी आएगी, थर्ड पोजिशन इसकी आ जाएगी। एन और आर, अब आई की बारी, एन और आर साथ हैं तो पहले कौन आएगा, एन आएगा तो ये आपके फोर्थ पोजीशन दे देगा, ये फिफ्थ पोजीशन दे देगा। क्या बोला, फिफ्थ पोजीशन किसकी है, तो यहाँ पर री बर्थ की आपकी फिफ्थ पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर चेक करिए तो मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है मुझे, तो 15 गुना 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 15 दुनी 30 प्लस 1, 31 दुनी 62 प्लस 1, ओके, तो पता लग गया होगा यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा हुआ है, तो इधर भी हम करेंगे मल्टीप्लाई 2, 255 गुना 2 करोगे तो 510 होता है, 510 में प्लस 1 करोगे तो 511 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये था आज के इस क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।